ओके okay. एक बार अप कर दो ताकि मेरे को पता लग जाए एवरीथिंग इज गोइंग फाइन ठीक है देखिए आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली ठीक है ये मैं अलग वीडियो क्यों लेकर आया रहा हूं देखिए कोई भी आ, नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि जो इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन फिजियोलॉजी से होगा ठीक है आ, लेकिन अपन इस चैप्टर को करने वाले हैं इस टॉपिक को अपन अलग से वीडियो बनाकर देखने वाले हैं क्यों ताकि आपको पूरा ओवरव्यू समझ आ जाए ह्यूमन फिजियोलॉजी है किस बारे में और आपको इसको अलग अलग नहीं पढ़ना पूरा एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ना है मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि चार पॉइंट्स में कैसे आप हर चैप्टर को पढ़ सकते हो ठीक है ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी वीडियो है लेकिन ये ट्रिक सेशन भी है ठीक है मैं आपको चार पॉइंट बताऊंगा हर चैप्टर में ह्यूमन फिजियोलॉजी के हर चैप्टर पर अप्लाई होगा क्लियर तो चाहे अपन बात कर लें डाइजेशन की चाहे अपन बात कर लें रेस्पिरेशन की चाहे अपन बात कर लें सर्कुलेशन की चाहे कोई भी

अपन देखेंगे सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देख लेते हैं सारी टर्म्स जो भी इस पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी में कहीं भी आप यूज कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन शुरू करते हैं डाइजेशन से क्लियर डाइजेशन में अपन फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म यूज करते हैं वो है स्टमक की क्लियर स्टमक को अपन क्या बोलते हैं गैस्ट्रिक टर्म यूज करते हैं क्लियर गैस्ट्रिक या गैस्ट्रस गैस्ट्रोस्टम इज़ द मेन लैटिन वर्ड फ्रॉम विच वी हैव डिराइव टर्म गैस्ट्रिक क्लियर चाहे वो गैस्ट्रिक सीक्रेशन हो चाहे गैस्ट्रिक जूस हो क्लियर या अपन बात कर ले माउथ की तो माउथ को माउथ को अपन बोलते हैं ओरल कैविटी क्लियर पूरी ये जो है वैसे माउथ क्या है माउथ एक जस्ट स्लिट है लेकिन ओरल कैविटी क्या हुई पूरी ये अपने अंदर की जो कैविटी है उसको अपन क्या बोलते हैं ओरल कैविटी बोलते हैं क्लियर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर अपन बात करें लीवर की क्लियर लीवर को क्या बोलते हैं हिपैटिक टर्म यूज़ करते हैं उसके लिए क्लियर हिपैटिक टर्म यूज़ करते हैं थर्ड अगर मैं बात करूं बाइल की बाइल के लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं सिस्टिक टर्म यूज़ करते हैं ठीक है सिस्टिक डक्ट हो गई सिस्टिक ग्लैंड मतलब जो भी बाइल uh, से रिलेटेड टर्म होगी या यूं कह लो कि अगर बाइल uh, को निकालना हो गया क्लियर uh, उसको क्या बोलते हैं सिस्ट बोलते हैं क्लियर ओके नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फोर्थ uh, अगर मैं बात करूँ अगर अपन एस्परेशन में चलते हैं तो लंग्स के लिए क्या टर्म यूज़ होती है लंग्स के लिए टर्म यूज होती है पल्मोनरी क्लियर ये अगर आप टर्म क्लियर कर गए ना तो आपको पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली क्लियर थर्ड लंग्स के लिए सॉरी फिफ्थ थिफ, फिफ्थ टर्म हो गई हर्ट के लिए हर्ट के लिए टर्म यूज़ होती है कार्डियक क्लियर कार्डियक टर्म यूज होती है और अगर अपन बात करें किडनी के लिए ठीक है किडनी के लिए टर्म क्या यूज़ होती है किडनी के लिए टर्म यूज़ होती है रीनल टर्म क्लियर चाहे वो रीनल वैसल हो रीनल आर्टरी हो रीनल वेन हो क्लियर जो भी टर्म किडनी uh, से रिलेटेड अपन बात करेंगे उसको अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या किस नाम से डिनोट करेंगे रीनल टर्म से डिनोट करेंगे क्लियर ये सारी टर्म अगर आपको अच्छे से पता हो गई क्लियर तो अपन uh, अच्छे से पढ़ सकते हैं नेक्स्ट मैं बात करूँ टीथ की टीथ की तो डेंट टर्म यूज़ होती है क्लियर फॉर एग्जाम्पल अपन डेंटिशन पढ़ेंगे ठीक है फर्स्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है डेंटिशन पढ़ने वाले हैं अपन तो उसमें डेंटिशियन क्या हो गया अरेंजमेंट ऑफ टीथ क्लियर ओके यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत अब अगर आपने थंबनेल देखा होगा अगर आपने थंबनेल देखा होगा तो इसमें एक डायग्राम है अगर आपने अच्छे से थंबनेल देखा है तो इसमें ये डायग्राम है इसमें ये डायग्राम आप देख रहे होंगे ये वाला ठीक है तो ये डायग्राम क्यों क्यों मैंने यहां पर रखा है ये डायग्राम जो है वाई आई हैव पुट दिस डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि सारे जो भी ऑर्गन हैं क्लियर ऑर्गन सिस्टम जो है वो सारे इस डायग्राम में आ गए ठीक है इसका सिग्निफिकेंस क्या है क्या सारे जो ऑर्गन सिस्टम हैं कह लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम कार्ड आ, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या सारे ये इंटर रिलेटेड है बिल्कुल और उन सबको अपन स्टडी करने के लिए एक ही मैथड फॉलो करेंगे एक ही वे से अपन स्टडी करेंगे उन सब चैप्टर को अपन चार पार्ट में डिवाइड करेंगे क्लियर वो चार पार्ट क्या क्या है वो अपन देख लेते हैं ओके okay, तो ये टर्म क्लियर हो गई टर्म जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे तो और भी स्टडी करेंगे क्लियर अभी तक के लिए आप इतनी मान के चलिए नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको कि हाउ टू स्टडी ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लियर ह्यूमन फिजियोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी में हर चैप्टर को जो मैं आपको बता रहा था कैसे स्टडी करना है क्लियर हर चैप्टर को अपन डिवाइड करेंगे चार पार्ट में क्लियर वो चार पार्ट कौन कौन से वो अपन यहीं देख लेते हैं फर्स्ट इज एनाटोमी क्लियर फर्स्ट अपन देखेंगे ऑर्गन सिस्टम की एनाटोमी क्लियर एनाटोमी से मेरा मतलब है कि इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अपन देखेंगे एनाटोमी इज ऑल अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर आप जब एम बी बी एस फर्स्ट ईयर में जाएंगे जब आपका नीट यू जी में सिलेक्शन हो जाएगा अच्छे रैंक के साथ तो आप क्या करोगे आपके फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट आएगी एनाटोमी तो उसमें आपके बॉडी दी जाएगी और आप बॉडी को डाइसेक्ट करके एक एक ऑर्गन को अच्छे से पढ़ पाओगे ठीक है तो अगर उसके लिए आपको स्टडी करना है तो आपको अच्छे से हार्डवर्क करना पड़ेगा नीट यूजी में ही ठीक है सो so, एनाटमी में क्या होता है इंटरनल ऑर्गन की स्टडी होती है क्लियर अब इंटरनल ऑर्गन की स्टडी क्यों जरूरी है क्योंकि अपने को अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ है क्लियर कौन सी वेसल कहाँ है कौन सा ऑर्गन कहाँ है ठीक है तो अगर अपने को पूरा अच्छे से पता होगा तब अपन जो है वो फिजियोलॉजी अच्छे से कर पाएंगे क्लियर अब फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन की अगर अपन बात करें तो अनाटमी कहां पढ़ेंगे अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि वेयर इज ओरल कैविटी फिर ओरल कैविटी के बाद फेरिंग्स पढ़ेंगे फिर इसोफेगस पढ़ेंगे फिर स्टमक पढ़ेंगे ठीक है तो ये सारी क्या पढ़ रहे अपन अनाटमी पढ़ रहे हैं ठीक है ऐसे ही ऐसे ही अगर मैं बात करूं रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्लियर ये अप्लाई होता है सबके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम डी का मतलब डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर अगर अपन बात करें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या यू कह सर्कुलेटरी सिस्टम में तो अपने को पता होना चाहिए हर्ट किस पोजिशन में होता है क्या क्या उसमें से वेसल्स निकलते हैं ठीक है तो वो सारी क्या होगी एनाटमी हो गई क्लियर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सेकेंड सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो अपन पढ़ेंगे फिजियोलॉजी क्लियर अब फिजियोलॉजी क्या होता है और फिजियोलॉजी और एनाटमी में डिफरेंस क्या है देखिए फिजियोलॉजी इज ऑल अबाउट द प्रोसेस क्लियर कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस कैसे हो रही है दैट इज कॉल्ड द फिजियोलॉजी ऑफ द सिस्टम क्लियर अब एग्जाम्पल के लिए आप देखिए कि मेरे पास ये फ़ोन है क्लियर अगर मैं इसको डाइसेक्ट करूं, इसको मैं तोड़ दूं और अंदर से देखूं इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो मैं क्या देख रहा हूं उसकी एनाटमी देख रहा हूं, कहाँ इसकी बैटरी प्रेजेंट है कहाँ इसका मदरबोर्ड प्रेजेंट है क्लियर कहाँ इसमें लाइट्स प्रेजेंट है कहाँ कैमरा प्रेजेंट है ठीक है तो जस्ट स्ट्रक्चर देखना क्या होता है एनाटमी क्लियर और अगर मैं इसको ये देखूँ कि अगर मैंने ये बटन दबा दिया बटन दबाते ही ये कैसे स्टार्ट हो रहा है कैसे ये जो है वो बूटिंग प्रोसेस या यूँ कह लो कि कैसे अगर मैं कैमरे का क्लिक करूँ तो कैसे फोटो क्लिक होती है तो वो कैसा कैसा मतलब कैसा वर्ड कहाँ आता है फिजियोलॉजी में आता है ठीक है फिजियोलॉजी इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ठीक है नेक्स्ट स्टडी अपन क्या करेंगे नेक्स्ट स्टडी अगर अपन करनी चाहें तो वो क्या करेंगे अपन नेक्स्ट देखेंगे अपन रेगुलेशन के बारे में क्लियर रेगुलेशन के बारे में अपन स्टडी करेंगे ठीक है अब रेगुलेशन आप कहोगे कि सर ये करना क्यों जरूरी है क्लियर तो जैसा कि मैं फ़ोन का एग्जाम्पल दे रहा था ठीक है फ़ोन में अपन ने क्या देखा था फ़ोन में अपन ने देखा था कि आ, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना अनाठवीं होगी प्रोसेस को देखना फिजियोलॉजी होगी ठीक है तो आपने देखा होगा कई बार आप ज़्यादा यूज़ कर लेते हो फ़ोन को ठीक है अब जब आप फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करने लगते हो तो फ़ोन क्या हो जाता है हीटअप हो जाता है ठीक है गर्म हो जाता है फ़ोन तो आप क्या करते हो थोड़ी देर उसको रेस्ट के लिए छोड़ देते हो क्लियर तो हीटअप होने का मतलब क्या हुआ उसकी एक्टिविटी क्या होगी बढ़ गई ठीक है सो एक्टिविटी एक्टिविटी बढ़ना या घटना ये किसके अंदर आएगा रेगुलेशन के अंदर आएगा ठीक है फॉर एक्जाम्पल अगर अपन बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की ठीक है तो अपन बात करेंगे रेगुलेशन की अगर कई बार क्या होता है अपना डाइजेशन जो है वो काफी फास्ट होने लगता है या रेस्पिरेशन की बात करें तो काफी अपन ज़्यादा जल्दी इंस्पायर और एक्सपायर करने लगते हैं ठीक है तो वो एक्चुअली में है क्या रेगुलेशन है क्लियर आपने अगर आ, पहले से पढ़ रखा है तो आप आपको पता होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन बात करते हैं सी टू लेवल की ठीक है सी टू लेवल ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी उसको क्या करती है रेगुलेट करने के लिए ज़्यादा एक्सपायर करती है ठीक है ज़्यादा जो है वो सी टू बाहर निकालने के लिए क्या करता है एक्सपिरेशन ज़्यादा होता है तो उससे जो ब्रीथिंग रेट है वो कम या ज़्यादा हो जाती है ठीक है कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी कोई एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ बायोमोलिक्यूल जो क्या करता है अफेक्ट करता है एक्टिविटी बढ़ाने या घटाने को वो अपन इसमें स्टडी करने वाले हैं ठीक है थर्ड अपन क्या चीज़ स्टडी करेंगे थर्ड अपन सॉरी uh, थर्ड हो गया रेगुलेशन फोर्थ अपन स्टडी करेंगे डिसऑर्डर क्लियर अगर आपने ये चार चीज़ें पढ़ ली हर चैप्टर की हर ह्यूमन फिजियोलॉजी के हर चैप्टर की uh, बात कर लेते हैं डाइजेशन की रेस्पिरेशन की क्लियर सर्कुलेटरी सिस्टम की मसल वाले चैप्टर की ठीक है मसल एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स की ठीक है और अपन बात करते हैं रीनल uh, सिस्टम की क्लियर एक्सक्रेटरी सिस्टम की और uh, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ठीक है हार्मोन वाले चैप्टर की और अपन बात कर लेते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की क्लियर आप चाहे कोई भी चैप्टर ले लो ठीक है आप चाहे कोई भी चैप्टर ले लो अपने को ये चार पॉइंट क्लियर होने चाहिए ठीक है फॉर एग्जाम्पल बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की तो एनाटमी में अपन ने देख लिया कहाँ अपनी इसोफेगस प्रेजेंट है कहाँ कहाँ जो है वो स्टमक प्रेजेंट है कहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन वो सारा क्या हो गया एनाटमी में आ गया फिजियोलॉजी कैसे ठीक है कैसे अपन खाना खाते हैं कैसे अपन उसको चुई करते हैं ठीक है कैसे अपन अपन जो है वो आ, इंजेस्ट करते हैं कैसे स्टमक में डाइजेशन होता है ठीक है तो फिजियोलॉजी में क्या क्या आएगी फिजियोलॉजी में जो है वो अपन पढ़ लेंगे बायोकेमिकल एक्शन भी पढ़ लेंगे और बायोकेमिकल या आ, सेलुलर लेवल पे भी अपन देख लेंगे क्लियर सेलुलर लेवल पे भी क्या हो रहा है देख फॉर वाले चैप्टर की बात करूं तो अपन उसमें देखते हैं ठीक ठीक है, है? है, तो उसमें अपन क्या क्या बात बात कर रहे हैं? लेवल पे इसकी बात कर रहे रहे हैं हैं, इसकी में क्या होता है? अगर आप फर्स्ट पेज देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन का पेज देखो बिफोर डाइजेशन वाला चैप्टर ठीक है वाले से भी पहले एक दिया हुआ ने, उसमें पूरा लिया हुआ है कि, uh, लेवल ऑफ़ स्टडी अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो हालांकि उसको कोई नहीं पढ़ता लेकिन मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ओवरव्यू हो जाए कि अपन पढ़ने क्या वाले हैं पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ने क्या वाले हैं ताकि अपने जो मार्क्स हैं वो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहीं ना जाएँ ठीक है अगर, अगर अपन बात करें रेगुलेशन की तो डाइजेशन का रेगुलेशन कैसे होता है ठीक है कैसे अपन इनडाइजेशन की बात करते हैं जहाँ अपना डाइजेशन कम होता है ठीक है फिर आ गया डिसऑर्डर डिसऑर्डर में अपन क्या बात करें अवे फ्रॉम ऑर्डर ठीक है अगर ऑर्डर जो है ऑर्डर खराब हो जाए क्लियर ऑर्डर खराब हो जाए उसको क्या बोलते हैं डिसऑर्डर बोलते हैं ठीक है अगर अपन बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्लियर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें अनाटमी देखेंगे उसमें फिजियोलॉजी देखेंगे कैसे इंस्पिरेशन होता है कैसे एक्सप्रेशन होता है क्लियर फिर अपन बात करें रेगुलेशन की तो कैसे अपन जो है वो रेगुलेट करते हैं डिसऑर्डर की बात करें तो कैसे अगर अपना लंग्स में लंग्स में जो है वो हो सकता है पाथवे खराब हो जाए हो सकता है एलविलाई खराब हो जाए तो जो जो चीज़ें खराब होगी दैट विल लीड टू डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेज क्लियर अगर अपन बात करें एक्सक्रेटरी सिस्टम की क्लियर तो किसी भी लेवल पे अपना जो है वो डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है ठीक है तो इस सेशन में अपन आगे क्या देखने वाले हैं एक एक ऑर्गन सिस्टम उठाएंगे उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे क्लियर ओके नेक्स्ट नेक्स्ट मैं देख रहा हूं नेक्स्ट अपन बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटमी हो गई क्लियर यही चार पॉइंट देखेंगे ठीक है डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटमी हो गई फिजियोलॉजी uh, हो गई रेगुलेशन हो गया और उसका डिसऑर्डर हो गया क्लियर फिर अपन बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी वो पढ़ने वाले हैं क्लियर हाँ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिसऑर्डर कैसे पढ़ेंगे क्लियर डिसऑर्डर कैसे पढ़ेंगे ठीक है डिसऑर्डर पढ़ेंगे डिसऑर्डर इज नथिंग बट अवे फ्रॉम एन अवे फ्रॉम ऑर्डर क्लियर अवे फ्रॉम ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि अपना कोई ऑर्डर फॉलो ना हो ठीक है ऑर्डर फॉलो ना होने का मतलब क्या हुआ कि फिजियोलॉजी जो है फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी या एनाटमी वो खराब हो जाए क्लियर वो खराब हो जाए वो क्या करवाएगी वो करवाएगी अपना डिसऑर्डर क्लियर फॉर एग्जांपल एग्जांपल के लिए मैं मान के चलता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम अपन स्टडी करेंगे लेकिन अब मैं उससे पहले इसके डिसऑर्डर uh, की बात कर लेता हूँ कि अपन कैसे पढ़ने वाले हैं ठीक है ये फॉर एग्जाम्पल मेरा क्या हो गया गट हो गया ये माउथ है ये एनस हैंड है क्लियर अब माउथ से क्या हुआ अपन ने इंजेस्ट किया फूड इंजेस्ट किया क्लियर फूड अपन ने इनटेक किया एनस से अपन क्या करते हैं फूड जो है वो उसको बाहर निकालते हैं ठीक है अब ऑर्डर uh, क्या होता है कि अपन जैसे ही खाते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है क्लियर चाहे वो मिड वे में हो अगर वो फूड यहाँ पर है तो वो बैक फ्लो नहीं करेगा वो जो है वो एन की तरफ ही जाएगा क्लियर ये होता है नॉर्मल फिजियोलॉजी में या नॉर्मल ऑर्डर में क्लियर अब अगर ऑर्डर खराब हो जाए अब मैं आपको बताऊं कि अवे फ्रॉम ऑर्डर अगर ये ऑर्डर खराब हो जाए तो क्या होगा इसमें क्या होगा कि इसका जो ऑर्डर uh, है ऐसे जाना था वो ऐसे जाएगा ठीक है अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा फ्रॉम एन टू माउथ उसमें क्या हो जाएगा अपने को एक डिसऑर्डर देखने मिलेगा दैट इज़ नोन एज वॉमिटिंग क्लियर वॉमिटिंग में होता क्या है कि अपन ने खाया माउथ माउथ से क्लियर लेकिन वो वापस अपोजिट डायरेक्शन में आ गया नॉर्मल फिजियोलॉजी थी कि वो माउथ से एन की तरफ जाना चाहिए था लेकिन वो उल्टा आ गया तो उसको अपन क्या बोलते हैं वॉमिटिंग या उल्टियाँ जो अपन नॉर्मल uh, लैंग्वेज में बोलते हैं uh, वो अपन स्टडी करेंगे क्लियर ऐसे ही अगर अपन बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम में ठीक है रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी बात कर सकते हैं कि इसमें जो है वो लंग्स लंग्स अपन बात करेंगे आपको पता होगा कि लंग्स अपन देखेंगे तो इसमें कहाँ डिफेक्ट हुआ है ठीक है उसकी बात करेंगे ठीक है और जो चीज़ डिफेक्ट होगी जिस चीज़ में दिक्कत आएगी उसका फंक्शन अपन जो है वो माइनस कर देंगे क्लियर फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ ये एल्वुलाई है क्लियर अगर एल्वलाई में अगर एल्वलाई में दिक्कत आ गई क्लियर अगर एलव्युलाई जो है वो डिफेक्टिव हो गई तो अपन क्या करेंगे अपन इसके फंक्शन को माइनस कर देंगे अब इसका फंक्शन क्या है वैसे तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन मैं जस्ट ओवरव्यू के लिए बता रहा हूँ जो पहली बार क्लास आए डोंट वरी अपन इसको डिटेल में स्टडी करेंगे ठीक है ओके okay. एल्वलाई का अगर मैं फंक्शन हटा दूँ वो क्या था एक्सचेंज ऑफ गैसेज क्लियर एक्सचेंज ऑफ गैसेज तो वो फंक्शन नहीं होगा तो जो ऑक्सीजन आना चाहिए था ब्लड में वो नहीं आ पाएगा ठीक है तो वो सारी चीज़ें अपन ऐसे स्टडी करेंगे क्लियर नेक्स्ट में बात करूं नेक्स्ट में बात करूं एक्सक्रेटरी uh, सिस्टम की ठीक है एक्सक्रेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं एक्सक्रेटरी सिस्टम क्लियर अब एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या देखेंगे अपन एनाटमी देखेंगे क्लियर ठीक है एनाटमी देखेंगे नेक्स्ट एनाटमी कैसे देखेंगे कि कहाँ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है कहाँ किडनी प्रेजेंट है कहाँ रीनल वेन प्रेजेंट है कहाँ रीनल आर्टरी प्रेजेंट है ठीक है और अपन क्या देखेंगे फिजियोलॉजी क्लियर फिजियोलॉजी में अपन क्या करेंगे सेलुलर लेवल पर स्टडी करेंगे क्लियर एनसीआरटी ने दिया हुआ है अगर आप पहला पेज देखो एनसीआरटी का ह्यूमन फिजियोलॉजी का ठीक है ह्यूमन फिजियोलॉजी का ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला पेज देखो बिफोर डाइजेशन वाला ठीक है जो डाइजेशन वाला पेज है उससे पहले अगर आप देखो तो उसमें दिया हुआ है कि इनिशियल चैप्टर्स इनिशियल चैप्टर्स जो है उसमें क्या बताया है सेलुलर लेवल की स्टडी करवाई है क्लियर एन ने क्या करवाया सेलुलर लेवल की स्टडी करवाई है और लास्ट में जो न्यूरल uh, कंट्रोल और न्यूरल और हॉर्मोन वाला चैप्टर है उसमें क्या दिया हुआ है ऑर्गेनिजमिक लेवल ऑफ स्टडी अगर आप देखना चाहो तो अभी एन खोल सकते हो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी ठीक है उसका मतलब क्या हुआ कि अपन फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए उसके सेल की uh, जो बेसिक यूनिट है उसकी तरफ जाएंगे अब एक्सरेटरी सिस्टम में जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होगी ग्लोमेरुलस क्लियर हो गई ठीक है तो उसमें अपन बात करेंगे कि सॉरी uh, नेफरॉन हो गया नेफ्रॉन में होता है ग्लोमेरुलस क्लियर नेफ्रॉन की बात करेंगे ठीक है नेफ्रॉन की बात करें नेफरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी ठीक है तो अब उसकी स्टडी करेंगे अपन सेलुलर लेवल पे स्टडी कर रहे हैं ऐसे ही मसल में बात करेंगे तो मसल फाइबर uh, इसमें जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होगी उसकी अपन बात करेंगे क्लियर नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो गया इसमें नेक्स्ट uh, रेगुलेशन की बात कर लेंगे ठीक है रेगुलेशन में क्या आ जाएगा रेगुलेशन में आ जाएगा रास मैकेनिज्म क्लियर रास मैकेनिज्म क्योंकि इससे क्या होता है कि एक्सप्रेटरी सिस्टम जो है वो या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है क्लियर अगर मैं आपके लिए बताऊं कि जब आप डॉक्टर बनने वाले हो आपके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है ठीक है ये ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो मैंने इसीलिए सेलेक्ट किया है ताकि आपका जो है क्योंकि अल्टीमेटली आप डॉक्टर बनने वाले हो और अगर आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो आपको जो है वो एमबीबीएस uh, में बिल्कुल मजा नहीं आने वाला ठीक है और अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस वॉच करोगे तो आई प्रोमिस यू कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर भी मैं पास करवा दूंगा आपका ठीक है इन्हीं वीडियो से जो है वो आपका पास हो जाएगा तो आप फर्स्ट ईयर में मस्ती मार सकते हैं ठीक है ओके ओके okay. okay, बच्चों तो यहां अपन देखने वाले हैं ओके okay. तो मैं बता रहा था कि एज ए डॉक्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको रेगुलेशन क्लियर जब आप डॉक्टर बनोगे ठीक है तो आपका ऑर्डर क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ पेशेंट आएगा डिसऑर्डर लेके क्लियर पेशेंट आएगा डिसऑर्डर लेके ठीक है डिसऑर्डर लेके आएगा और आपको उसको स्टडी करना है आपको उसको स्टडी करना है क्या उसके रेगुलेशन में दिक्कत है क्या उसकी फिजियोलॉजी में, में दिक्कत है क्या उसके एनाटमी में दिक्कत है ठीक है तो पेशेंट आएगा आपके पास डिसऑर्डर लेकर डिसऑर्डर पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या उसमें दिक्कतें आ सकती है ठीक है डिसऑर्डर को आपको स्टडी इसीलिए करना है बाकी आपको चेक क्या करना है आपको ये तीनों चीज़ें चेक करनी है क्या उसमें एनाटमी दिक्कत है क्या उसके एनाटमी की दिक्कत है क्या उसके ऑर्गन जो है वो अच्छे से प्रेजेंट है या नहीं है क्लियर अच्छे से प्रेजेंट है तब अपन कहाँ जाएंगे फिजियोलॉजी पे जाएंगे क्या उसमें जो है वो कुछ एंजाइम की दिक्कत है क्या उसमें कोई सेलुलर लेवल पर कुछ दिक्कत आ गई क्लियर तो फिर अपन स्टडी करेंगे रेगुलेशन के बारे में ठीक है रेगुलेशन के बारे में इसका मतलब क्या हुआ कि क्या उसमें रेगुलेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा ठीक है फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम की ठीक है एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करते हैं ठीक है एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या होगा देखिए अच्छे से पढ़ना ओके एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करते हैं इसमें क्या हो गया डिसऑर्डर क्लियर डिसऑर्डर कोई भी अपन एज्यूम कर लेते हैं ओके okay, मान लेते हैं पेशेंट में क्या हो गया यूरीमिया हो गया क्लियर यूरीमिया यूरीमिया मतलब क्या होता है इंक्रीज यूरिया इन ब्लड क्लियर हालांकि ये आपके नीट लेवल में नहीं है लेकिन आपको अच्छे से पता होना चाहिए ताकि आप जो है वो जब स्टडी करो एन देखो तब आपको अच्छे से समझ आ जाए क्लियर पेशेंट आएगा आपके पास डिसऑर्डर लेके क्लियर अगर आप सिस्टमेटिक वे में स्टडी करोगे तो आपके लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत आसान है और अगर आप इसको अलग अलग लेवल पे देखोगे एक्सक्रेटिव सिस्टम को अलग पढ़ोगे ठीक है अलग ही अप्रोच रखोगे आप उसके ठीक है तो आपको अच्छे से नहीं समझ आएगा अगर आपको ये मेरी अप्रोच रखोगे और कंटिन्यू वीडियो देखते रहोगे हर ऑर्गन सिस्टम की अपन वीडियो डालेंगे हर ऑर्गन सिस्टम में आप देखते रहोगे तो आपको नो no डाउट बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली क्लियर ओके तो पेशेंट आएगा डिसऑर्डर लेके फॉर एग्जाम्पल उसके डिसऑर्डर है यूरिमिया क्लियर तो आप देखोगे क्या उसमें किडनी प्रेजेंट है क्या उसमें किडनी नॉर्मल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है नॉर्मल साइज में प्रेजेंट है ठीक है तो इसलिए अपने को एनाटॉमी पढ़नी जरूरी है क्लियर फिर अपन देखेंगे क्या उसकी फिजियोलॉजी में कोई दिक्कत है क्या उसमें जो है वो सेलुलर लेवल पे क्या उसके ग्लोमेरुलस में दिक्कत है क्या उसके नेफ्रॉन में दिक्कत है ठीक है फिर अपन देखेंगे रेगुलेशन में क्या उसके रास मैकेनिज्म में दिक्कत है ठीक है इसी से अपन क्या बनाएंगे इसी से अपन बनाएंगे कि उसमें डिजीज क्या है वट इज़ द डिजीज ठीक है और उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे ट्रीटमेंट देंगे और यही एक डॉक्टर करता है क्लियर किसी को कोई डाउट ओके यू कैन मैसेज इन द कमेंट सेक्शन किसी को कोई डाउट हो गुड इवनिंग गुड इवनिंग ठीक है ओके ओके फाइन 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 क्लियर तो ये चार चीजें हो गई आपको इन चारों चीजों को नहीं भूलना और टर्म्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्लियर ओके तो आज शुरू करते हैं अपन डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्लियर ओके थैंक यू थैंक यू बच्चों थैंक यू देखिए कोई भी अगर दिक्कत हो तो आई एम ओपन विद माय फीडबैक आप कोई भी फीडबैक हो दे सकते हैं आप कि सर आपकी आप स्पीड कम है आपकी स्पीड ज्यादा है और कोई भी डाउट हो अपन शाम को क्या रखते हैं ाम को रखते हैं डाउट एंड पीवा पी एम पी पी पर रहेगा अपना और आज भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो अन अकेडमी एप पर क्लियर अन अकेडमी एप पर आप ज्वाइन कर सकते हो आ, जो बच्चे मेरे को नहीं जानते क्योंकि आ, आज मेरी ये पहली एजुकेशन वीडियो है अन अकेडमी चैनल पर ठीक है तो मैं उनको बता दूं माय नेम इज अरविंद कड़वासरा आपने देख लिया होगा तो माय नेम इज अरविंद कड़वासरा आई एम न्यू बायोलॉजी फैकल्टी एट अन अकेडमी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो अन अकेडमी ऐप पर आप आपकेडमी uh, के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ठीक है तो अपन क्या करेंगे अपन जो है वो डेली डेली अपन रहेंगे YouTube पर लाइव ठीक है यूट्यूब पर लाइव रहेंगे और अपन क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कहा जाएंगे ऐप पर जाएंगे ठीक है ऐप पर अपन जो है वो क्वेश्चन करेंगे अनुर डाउट किसी को ओके okay, अब अपन शुरू करते हैं डाइजेशन वाला पोर्शन ठीक है ओके okay, हाय हाय बच्चों हाय डाइजेशन वाला चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं क्लियर मैंने आपको बताया कि डाइजेशन वाला चैप्टर जो है वो आपको तीन या चार पार्ट में डिवाइड करना है क्लियर वाले चैप्टर को मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर देता हूं और तीनों पार्ट को अपन अलग अलग पढ़ेंगे ठीक है फर्स्ट ऑफ पार्ट क्या हो गया इसका एनाटमी एनाटमी नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी और थर्ड पार्ट क्या हो गया इसका डिसऑर्डर क्लियर डिसऑर्डर इन तीनों पार्ट में अपन पढ़ेंगे और दूसरी बात जो भी चीज पढ़ेंगे जो भी चीज पढ़ेंगे उसमें दो अपन स्टडी करेंगे दो अपना अप्रोच रहेगा मतलब क्या है इसका कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को टर्म सारे क्लियर होने चाहिए ठीक है टर्म सारी क्लियर होती है तो अपने को मोस्ट ऑफ द टॉपिक का ओवरव्यू हो जाता है मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है अपने को समझ आ जाता है ठीक है नेक्स्ट अपन क्या करेंगे नेक्स्ट अपन वाई क्लियर करेंगे ठीक है वाई वी आर स्टडिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक ठीक है आप डाइजेशन क्यों स्टडी करेंगे वो अपन चाहे सब टॉपिक भी पढ़ें मैं आपको वाई बताऊंगा कि वाई वी आर स्टडिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक क्लियर कोई डाउट अगर अभी भी कोई डाउट है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आई एम रीडिंग ऑल योर कमेंट्स ओके तो शुरू करते हैं अपन डाइजेशन वाले चैप्टर से ओके करें शुरू करें शुरू ओके देखिए डाइजेशन बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को टर्म क्लियर होने चाहिए ठीक है टर्म्स इसमें क्या क्या आएंगी वो अपन देख लेते हैं एक बार टर्म्स क्लियर होनी चाहिए टर्म्स फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या पता होना चाहिए ओरल कैविटी पता होना चाहिए क्लियर ओरल कैविटी पता होना चाहिए और इसमें क्या पता होना चाहिए अपने को कि वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माउथ एंड ओरल कैविटी ठीक है ये आपको चीज़ें पता होना चाहिए क्लियर ओरल कैविटी क्या है ओरल कैविटी इज अ कैविटी क्या होती है बेसिकली कैविटी क्या होती है देखिए कैविटी इज स्पेस इनसाइड बॉडी क्लियर छोटा बड़ा कैसा भी स्पेस हो उसको अपन क्या बोलते हैं कैविटी बोलते हैं क्लियर ओरल कैविटी क्या होगी ये माउथ की आ, या यूं कह लो कि माउथ के आगे जो होलो स्पेस आता है उसको क्या बोलते हैं ओरल कैविटी क्लियर सराउंडेड बाय सराउंडेड बाय टीथ सराउंडेड बाय टीथ क्लियर अपर साइड में इसके क्या है पैलेट है क्लियर पैलेट है सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट और बेस इसका क्या बना रहा है बेस इसका बना रहा है टंग क्लियर कोई डाउट किसी को ये बात होगी अपनी औरल कैविटी की ठीक है नेक्स्ट अपन बात करें औरल कैविटी के बाद अगर अपन बात करें टर्म्स की तो गैस्ट्रिक टर्म जो है गैस्ट्रिक टर्म यूज़ होती है स्टमक के लिए क्लियर गैस्ट्रिक टर्म इज द इज टर्म यूज फॉर स्टमक क्लियर नो डाउट ओके ठीक है नेक्स्ट अगर अपन बात करें टर्म्स की और आगे अपन चलें तो स्टमक को या गैस्ट्रिक को अपन जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे कार्डियम फंडस फाइलोरस क्लियर ओके इसका क्या मतलब हुआ कि जो गैस्ट्रिक टर्म है क्लियर जो स्टमक है मेरे पास उसको मैंने टर्म दिया है कार्डिया फंडस पाइलोरस क्लियर ओके okay. ये मैंने टर्म क्यों दिया है क्लियर कार्डिया टर्म जो है क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है इसके अप्रोक्सीमिटी में क्या प्रेजेंट है हर्ट प्रेजेंट है क्लियर दिस इज आवर हर्ट इसीलिए इस पोर्शन को इस पोर्शन को मैंने क्या नाम दे दिया कार्डिया नाम दे दिया क्लियर फंडस क्या हो गया ये मेन पोर्शन फंडस क्लियर और ये क्या हो गया ये हो गया पाइलोरस क्लियर अब आपका हो गया सर अलग अलग पैलेट देखिए पैलेट क्या होती है पैलेट जो है आ, उसको हिंदी में बोलते हैं तालू क्लियर इसके लिए हो गया सॉफ्ट या हार्ड पैलेट ठीक है आप अगर अप, अपनी अ, मिरर में देखो तो आपकी जो ओरल कैविटी है ठीक है सराउंडेड बाय टीथ ओरल कैविटी के जो अपर साइड है क्लियर हार्ड पोर्शन जो आप देख रहे हो उसको बोलते हैं पैलेट क्लियर क्लियर में ओके okay, फाइन ठीक है पैलेट uh, को दो पार्ट में डिवाइड किया गया हार्ड एंटीरियर पार्ट हो गया और सॉफ्ट uh, जो है वो पोस्टीरियर पार्ट हो गया क्लियर अच्छा काम से याद आया एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या किसी को मालूम है एंटीरियर और पोस्टीरियर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं क्लियर ये बेसिक टर्म है ये आपको क्लियर होनी चाहिए अच्छे से एंटीरियर पोस्टीरियर वेंट्रल और डोर्सल क्या होता है ठीक है एंटीरियर क्या होता है पोस्टीरियर क्या होता है वेंट्रल क्या होता है और डोरसल क्या होता है क्या कोई बता सकता है कैन एनी बड़ी टेल? क्या किसी को दिक्कत आती है इन सब चीजों को सोल्व करने में जस्ट टेल मी क्लियर ओके अभी अपन देखने वाले एंटीरियर क्या होता है पोस्टीरियर क्या होता है वेंट्रल क्या होता है डोरसल क्या होता है ठीक है देखिए फॉर एग्जाम्पल ओके ओके हेलो हेलो अपन बात करते हैं ह्यूमन की ह्यूमन में क्या होता है देखिए ह्यूमन में क्या होता है वेटो से ह्यूमन बॉडी में क्या होता है ह्यूमन में होता है एंटीरियर जो है एंटीरियर इक्वल टू वेंट्रल होता है क्लियर पोस्टीरियर इक्वल टू होता है क्लियर ये बात आपको क्लियर हुई ठीक है लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता ठीक है हमेशा ऐसा क्यों नहीं होता वो भी अपन डिस्कस करेंगे यहां तक किसी को कोई डाउट है तो वो बताएं ओके सिमरन ओके फाइन क्लियर देखिए ये टर्म जो है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है ठीक है थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ देखिए अब इसमें आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा फीट में ठीक है फीट में एक्सेप्शन देखने को मिलेगा क्लियर क्योंकि फीट में जो ये वाला पोर्शन है वो क्या होता है डोरसल क्लियर और ये वाला क्या होता है वेंट्रल होता है क्लियर ये वाला वेंट्रल होता है अब आप कहोगे सर ये जो आप डोरसल बता रहे हो वो क्या हो गया एंटीरियर पार्ट हो गया आगे की तरफ आ गया क्लियर लेकिन पीछे का पार्ट क्या हो गया वेंट्रल हो गया क्लियर ऐसा कैसे हो गया कोई बता सकता है जस्ट लेट मी नो ओके फाइन देखिए ये बेसिकली टर्म है वो क्वाड्रीपै जो ऑर्गेनिज्म थे क्लियर क्वाड्रीपै जो ऑर्गेनिज्म थे उनके लिए टर्म यूज की गई थी क्लियर जैसे आपके एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास क्या है ये मेरे पास एक फोर लैग या यूं कह लो कि काओ है मेरे पास क्लियर काओ है मेरे पास ठीक है तो उसके लिए एंटीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर वेंट्रल डोर्सल क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ ठीक है एंटीरियर पोस्टीरियर डोर्सल वेंट्रल क्या था ठीक है तो उसमें क्या था कि ये वाला जो पोर्शन है ये वाला जो पोर्शन है और ये टेल होगी क्लियर इसमें क्या होता था कि ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है क्लियर एंटीरियर पोस्टीरियर वेंट्रल और डोर्सल क्लियर ये होता था एंटीरियर ये क्या होता था पोस्टीरियर क्लियर ये क्या होता था डोर्सल ये क्या होता था वेंट्रल क्लियर कोई डाउट किसी को यहां तक किसी को कोई डाउट हो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ठीक है तो जैसे जैसे जो ह्यूमंस हैं वो जैसे जैसे बाईपैड हो गए क्लियर या यूं कह लो कि अपने दो पैर पे चलने लग गए तो उसमें क्या हुआ कि भी ये वाला पोर्शन जो वो सीधा हो गया जैसा कि ऐसे क्लियर ऐसे अपन बोल सकते हैं ठीक है ठीके? ओके ये वाला पोर्शन जो है वो सीधा हो गया इसका मतलब जो वेंट्रल है वेंट्रल जो है वो एंटीरियर के साथ मिल गया क्लियर यही वेंट्रल हो गया और यही क्या हो गया एंटीरियर हो गया क्लियर और डोर्सल वाला क्योंकि ये ये अगर अपने पैरों पे खड़ा होगा लास्ट वाले पैरों पे खड़ा होगा तो जो डोरसम है वो पोस्टीरियर बन जाएगा क्लियर डोरसल और पोस्टीरियर क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा ठीक है ऐसा ही कुछ हुआ था कि रिगार्डिंग तभी अपन क्या बोलते हैं तभी अपन जो चार पैरों वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं क्लियर क्वाडरी पैड पैड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं टर्म ऐसे यूज़ करते हैं क्लियर ऐसे कुछ अपन यूज़ करते हैं ये वाला इंटीरियर हो गया ये वाला पोस्टीरियर हो गया ये वाला डोरसल हो गया ये वाला वेंट्रल हो गया क्लियर यहां तक किसी को कोई डाउट जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर ओके फाइन ये टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए ठीक है तो अपन वापस आ जाते हैं अपने डिस्कशन पे ठीक है वापस आ जाते हैं अपन डिस्कशन पे ये टर्म्स अपन डिस्कस कर रहे थे क्लियर ओके फाइन यहां तक किसी को कोई डाउट जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फिर अपन कल जो है वो डाइजेशन से शुरू करने वाले हैं क्लियर ओके फाइन नेक्स्ट मैं आपको बता दूं ठीक है डाइजेस्टिव सिस्टम मैं आपको फ्लो चार्ट बना देता हूं इसकी डिटेल में डिस्कशन अपन कल करेंगे ठीक है कल करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अपने को स्टडी क्या क्या करना है एनाटमी एनाटमी फिजियोलॉजी, थर्ड इज डिसऑर्डर ठीक है ये तीन चीजें अपन अच्छे से करने वाले हैं ठीक है एनाटमी में अपन क्या देखेंगे अनाटमी में अपन सारे जो भी स्ट्रक्चर है अपने अंदर ठीक है फ्रॉम माउथ टू anus, वो सारी अपन जो है वो उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे उसमें क्या क्या रिलेशन है क्लियर कौन से ऑर्गन के बाद कौन सा ऑर्गन आता है ठीक है वो अपन बात करेंगे क्लियर तो डायजेस्टिव सिस्टम है क्या बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम तो है वो कुछ नहीं है जस्ट एक सिंपल पाइप है क्लियर सिंपल पाइप क्लियर ये ऑर्गन सिस्टम पूरा का पूरा पाइप ही है ठीक है पूरा अगर, अगर, अगर अपन बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या तो एक पाइप ही क्या बन गया एक ऑर्गन सिस्टम कैसे बन गया वो मैं बताता हूँ आप ठीक है फॉर एग्जाम्पल ये अपनी क्या हो गई ये अपनी बॉडी कैविटी हो गई क्लियर अब भगवान ने क्या किया कि इसको पाइप में पाइप को अपने अंदर फिट करना चालू कर दिया ठीक है अपने अंदर फिट करना चालू कर दिया तो ये ऐसी कुछ स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिल गई क्लियर सो डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ नहीं है सिर्फ एक पाइप है ठीक है ओके okay. उसका एक एंड क्या है एक एंड है माउथ दूसरा एंड क्या है एनएस क्लियर दूसरा एंड क्या है एनस है ठीक है अब आप कहोगे सर ऑर्गन कहाँ से आ गए ठीक है तो ऑर्गन की अभी अपन बात करने वाले हैं ठीक है ओके okay. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को यहाँ पर स्टोर करने की ज़रूरत थी ठीक है मेरे को यहाँ पर किसकी ज़रूरत थी कि मैं कुछ स्टोर करूँ जो फूड मैं खा रहा हूँ वो मैं कुछ देर के लिए स्टोर कर पाऊँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फूड खा पाऊँ क्लियर ये बात क्लियर हुई तो मैंने इसको क्या किया मैंने इसको फुला दिया क्लियर मैंने इसको फुला दिया और आगे पीछे यहाँ पर गेट लगा दिए क्लियर आगे पीछे गेट लगा दिए उसको मैंने बोल दिया स्टमक क्लियर तो मैंने क्या बोल दिया स्टमक बोल दिया क्लियर तो कहने का मतलब क्या है कि एनाटमी में भी कॉन्सेप्ट है ठीक है ये मेरा समझाने का पूरा मकसद ये था कि एनाटमी में भी कॉन्सेप्ट है कैसे कॉन्सेप्ट है क्योंकि ऑर्गन आप कहाँ देखोगे जहां उसका यूज है वहीं तो ऑर्गन देखोगे ठीक है सो स्टमक का यूज क्या है कि वो स्टोर करे उसमें चर्निंग एंड चर्निंग मूवमेंट्स हो ठीक है इसीलिए क्या हुआ कि जो अपना ऑर्गन सिस्टम था पाइप वो क्या हो गया फूल गया डायलेट हो गया क्लियर और उसको अपन ने क्या नाम दे दिया स्टमक नाम दे दिया ठीक है

एक बार ही आपको पढ़ना पड़े कहने का मतलब यह है कि फॉर uh, एग्जाम्पल मेरा एक फ्रेंड था वो क्या करता था कि उसको जस्ट ये होता था कि उसको माइनर में अच्छे नंबर लाने हैं ठीक है अब वो परवाह नहीं करता था uh, कि उसको कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा तो वो क्या करता था जस्ट ही यूज टू मग अप द थिंग्स ठीक है तो उसको हर माइनर में क्या करना पड़ता था जीरो से शुरू करना पड़ता था ठीक है हर माइनर में उसको क्या करना पड़ता था जीरो से शुरू करना पड़ता था लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो आपको जीरो से कभी शुरू नहीं करना पड़ेगा एक बार आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ उसका आइडिया रहेगा इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है क्लियर uh, अगर uh, मेरी स्पीड सही है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन स्पीड सही है एवरीथिंग इज फाइन इज ऑल गुड ठीक है uh, आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक like करते रहिए शेयर करते रहिए इस सेशन को ठीक है ओके फाइन ठीक है फिजियोलॉजी में अपन क्या पढ़ेंगे कि हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस क्लियर प्रोसेस जो भी प्रोसेस है वो इसमें आ जाएगा ठीक है सारे एंजाइम्स आ जाएंगे ठीक है एंजाइम्स कौन कौन से इन्वॉल्व है ठीक है माउथ uh, में कौन से एंजाइम आते हैं क्लियर ओरल ओरलिटी में कौन से एंजाइम आते हैं स्टमक में कौन से एंजाइम आते हैं ठीक है तो डिफरेंट ऑर्गन के पास क्या होते हैं डिफरेंट एंजाइम होते हैं क्लियर डिफरेंट एंजाइम क्यों होते हैं बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटी बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटी क्लियर जो एक्टिविटी करेंगे वैसे ही एंजाइम उसके पास आ जाएंगे क्लियर मतलब इसमें भी कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर डिसऑर्डर तो अपन ने डिस्कस कर ही लिया इसमें तो कॉन्सेप्ट है ही अगर अपन जो ऑर्डर पढ़ रहे हैं ऑर्डर अगर फॉलो ना हो ऑर्डर अगर फॉलो ना हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं डिसऑर्डर बोलते हैं क्लियर ओके गाइज तो अपना सेशन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है कल अपन शुरू करेंगे एनाटमी से क्लियर माउथ से शुरू करेंगे टीथ से शुरू करेंगे ठीक है डेंटिशन कैसा कैसा डेंटिशन कैसे कैसे देखने को मिलता है ठीक है वो सारा अपन कल शुरू करेंगे ठीक है ओके यहाँ तक किसी को कोई डाउट जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आई एम एंडिंग द सेशन टू डे ओके थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन टमोरो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एनाटमी अगर आज किसको ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड तो आ सकते हो आप टाइमिंग इज एट थर्टी पी एम्स क्लियर इफ एनीबडी बडी वॉन्ट्स टू यूज माई रेफरल कोड रेफरल कोड मेरा है ए के नीट के नीट इज माई रेफरल कोड यू कैन अप्लाई ऑन एन अकेडमी ऐप ठीक है दिख नहीं रहा होगा आई थिंक ए के नीट ए के नीट इज माई रेफरल कोड यू कैन अप्लाई ऑन एनी सब्सक्रिप्शन यू वॉन्ट टू हैव ऑन एन अकेडमी क्लियर तो मिलते हैं बच्चों को फुल एनर्जी के साथ अपन डिस्कस करेंगे अनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर एकदम अलग वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा ठीक है आपके जो दो से चार क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं नीट में वो आपके बिल्कुल भी नहीं अटकेंगे ठीक है ओके बाय बच्चों